चाहिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन, क्योंकि ममता बनर्जी ये सोचती हैं कि हमेशा उन्हीं की सत्ता रहेगी, जो ऐसा उनकी जो विचारधारा ये बिल्कुल मेरे अनुसार बिल्कुल गलत है। और वहाँ एक तरह से देखा जाए तो गुंडा राज हम कह सकते हैं, उस तरह का वहाँ शासन है। वह राष्ट्रपति शासन मैं तो चाहूँगी कि लगे, मेरी तो यही सलाह है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगे। और जो ममता बनर्जी अभी बौखलाई हुई हैं उसके लिए तो वही है कि देखिए किसी की भी हार होती है तो वो थोड़ा सा बौखलाई जाता है, बस इससे ज़्यादा बौखलाट का क्या कारण है उनका? देखिए वही है कि उनको अब दिख रहा है कि बीजेपी अब आगे बढ़ती जा रही है और अभी भी पूरी भारी बहुमत से बीजेपी अच्छे मतलब उससे आगे है, तो ये तो मतलब उनका एक स्वाभाविक नेचर है किसी भी राजनेता का कि अगर वो थोड़ा सा नीचे डाउन होता है तो वो होगा ही ऐसा। क्या लगता है आपको, जैसे चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पार्टी को रोकने के लिए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोकने के लिए और प्रधानमंत्री को जो है बोला कि जो प्रधानमंत्री नहीं मानती, तो ये सब कहते हुए क्या लगता है आपको कि ये हार करारी हार का हार क्या कारण? उन्होंने ऐसा बोला है, उनकी जो सोच है जो विचारधारा है वो बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने जिस तरीके से विचारधारा रखी है कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए तो ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज जो मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो हमारे लिए मतलब इतने सालों बाद कांग्रेस के इतने टाइम बाद जो बीजेपी पूरे भारी बहुमत से हुई है, ये जो आम पब्लिक है कोई बेवकूफ़ नहीं है। आप देखिए कि इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, सब कुछ है, बट ये जो न्यूज़ चैनल वगैरह चाहिए ये तो पर्टिकुलर एक बिजनेस है, बट आम जनता तो मतलब जो घरों में आम रोटी खा रही है या पिज्ज़ास खा रही है, दिमाग तो सबका चलता है ना, तो उनको पता है कि मोदी जो हैं वो अपनी जगह ठीक हैं, तो उनको ये लग रहा है कि वो एक सही निर्णय ले रहे हैं, सही चुनाव के लिए वो भी जो मोदी जी हैं वो जो जितनी भी नीतियां बना रहे हैं ये बिल्कुल सही है, और वो एक किसी भी पार्टी के लिए मतलब एडवांटेज नहीं है, वो हमारे देश के लिए एक एडवांटेज है।